हेलो फ्रेंड्स, मैं धींदर सिंह। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एट रॉयल किंग पर। दोस्तों, एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ मैं आप सबके बीच एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड के बारे में। दोस्तों, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सरकार ने एक कार्ड जारी किया है जिसका नाम है ई श्रम कार्ड। आधार कार्ड की तरह इसमें 12 अंकों का एक यूनिवर्सल नंबर होता है। संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए सरकार जो भी स्कीम लाती है या कोई भी आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराती है तो इसी कार्ड के बेस पर मिलेगी। इस कार्ड के साथ में बैंक अकाउंट भी लिंक होता है तो सरकार द्वारा मिलने वाली आर्थिक सहायता सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी। दोस्तों, बता दूं कि ई श्रम कार्ड उन लोगों को जारी किया जाएगा जिनकी उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच में है और वह टैक्स पेयर नहीं है। दोस्तों, ई श्रम कार्ड आप बिल्कुल फ्री में खुद से ऑनलाइन बना सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ई श्रम कार्ड को बनाने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करता हूं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे हमारे द्वारा लाई गई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आ जाते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों, आपके पास जो भी है मोबाइल या लैपटॉप उस पर आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सिंपली इसमें सर्च बार में जाकर ई श्रम आपको टाइप करना है। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, उसमें आपको ई श्रम की जो साइट दी हुई है ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर जाकर आपको क्लिक कर देना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज आएगा खुलकर। इसमें आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम का जो ऑप्शन शो हो रहा है सिंपली इसी पर क्लिक करना होगा। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिखाई देगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर इज प्रीफेयर्ड, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना होगा जो आपके आधार से लिंक हो और आप यहां पर कैप्चा फिल कर लेंगे। उसके बाद एम्प्लॉई प्रोवाइडिंग फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ, इसको आप नो रहने देंगे। एम्प्लॉई, इसको दोनों को आप ईएसआईसीएस को नो रहने देंगे क्योंकि अगर आप यहां पर यस कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए जो रिक्वायर पड़ेगी जिस जिस चीज़ की, उसमें आधार नंबर, आधार लिंक एक्टिव मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, एज शुल्ड भी बिटवीन आपको 16 से 59 साल की होनी चाहिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर सिंपली आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल करने के बाद। तो आपके फ़ोन पर एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। जो ओटीपी का डालने का जो ऑप्शन हो रहा है उसमें ओटीपी डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपको आधार नंबर फिल करना होगा। तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देंगे दोस्तों और नीचे आई एग्री पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे चेक मार्क करने के बाद सबमिट का बटन शो होगा आपको, तो आप इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे सबमिट पर। तो दोस्तों, हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, हम जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का एक ओटीपी का मैसेज शो होगा जो आपके आधार पर ओटीपी गई होगी, जो आधार लिंक मोबाइल नंबर दोस्तों उस पर एक ओटीपी जाएगी। ओटीपी इसमें फिल करने के बाद वैलिडेट का ऑप्शन शो करेगा, इस पर सिंपली आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल दी रखी होगी, जैसे नाम, आपका एड्रेस और आपका पिन कोड जो भी है सब कुछ दिया रखा होगा। दोस्तों, आपकी आधार के हिसाब से इसने डिटेल जो है वो फैच कर ली। उसके बाद कंटिन्यू एंड एंटर पे क्लिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ प्रोवाइड करानी है, तो यहाँ पर हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे जैसे इमरजेंसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, इस तरह की कुछ चीज़ों को हमें यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर अपनी मैरिट स्टेटस को सिलेक्ट करना है। इसके बाद फादर का नेम, आपकी कैटेगरी जनरल ओबीसी एससी जो भी रहेगी वो डालनी है। और दोस्तों, यहाँ पर जो स्टार दिए रखे हैं ना
हमको केवल वही फिल करने हैं, और जिस पे स्टार नहीं है वो मैंडेटरी नहीं है, रेड स्टार देखकर ही हम फिल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें नॉमिनी की डिटेल फिल करनी है, यहाँ पर नेम हो गया, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ हो गई, जेंडर हो गया, और रिलेशन क्या है, तो ये सब फिल करना है। उसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है दोस्तों। तो उसके बाद हम सारी डिटेल को फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा रेजिडेंशियल डिटेल भरने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे हम अपना करंट एड्रेस जो भी होगा उसे फिल कर लेंगे दोस्तों। सारा डाटा इसमें हम फिल करने के बाद नीचे की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों हमने डिटेल को अपना फिल कर लिया है यहाँ पे, तो हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमें भरना होगा। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं दिया हुआ, तो हम इस पर अटैच नहीं करेंगे। मंथली इनकम स्लैब यहाँ पे स्टार दिया है, तो हम इसे फिल करेंगे। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट का चूज़ करने का ऑप्शन है, यहाँ पर हम चूज़ करना मैंडेटरी नहीं है, तो हम ऐसे ही इसे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपने व्यवसाय से संबंधित कार्य को भरना होगा, आपने जो भी काम किया हो। दोस्तों यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपके लिए लिस्ट निकल के आ जाएगी कि उसमें जो जो काम दिए रखे होंगे वो सारे काम की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस डालना है कि कितने समय से हम ये काम को कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ये डाल दिया है, और यहाँ पर ये डाल रखा है जो मैंने अपने हिसाब से जो फिल किया, आप जो भी करते हैं उस हिसाब से अपना फिल कर लें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक हमारे पास नया पेज ओपन होगा, जिसमें बैंक अकाउंट डिटेल हमें फिल करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल फिल कर लेते हैं। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, इसके नीचे अकाउंट नंबर कन्फर्म होगा, फिर अकाउंट होल्डर का नाम, उसके बाद IFSC कोड डाल के यहाँ पर सर्च कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर बैंक नेम और ब्रांच नेम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे अपनी डिटेल को फिल कर लिया है, अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारा जो फॉर्म मैंने फिल किया था उसका प्रीव्यू आ गया है। अब चाहे तो हम इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर जो चेक मार्क दिया है एग्री का, उसे भी क्लिक करेंगे, तो उससे पहले हम इसे प्रिंट करेंगे। इसे सेव कर लेंगे, इसे हम अपने डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, तो इसे हम सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पे। इसके बाद पेज रीलोड कर लेंगे। रीलोड करने के बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आई अंडरस्टैंड, यहाँ पर हम चेक करेंगे। यहाँ पर चेक करने के बाद हमारे पास सबमिट का ऑप्शन शो होने लगेगा, जैसे ही फिर हम इस पर सबमिट कर देंगे दोस्तों। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा UAN कार्ड जनरेट हो जाएगा, अब हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा UAN कार्ड बनकर आ गया, यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो भी आधार पे मेंशन था वो सारा डाटा इसमें आ चुका है, और यहाँ से हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो अदर रजिस्ट्रेशन के लिए नया पेज खुलकर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर अपना UAN कार्ड डाउनलोड करके आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से अपना UAN कार्ड डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों। इसी तरह से आप भी अपना UAN कार्ड अपने आप से स्वयं घर बैठे बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं दोस्तों। इसके लिए अब हम सेव कर लेंगे, यहाँ से हमने ये सेव कर लिया दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट करें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।